सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी नॉनवेज की डिश, मटन दो प्याजा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 kg मटन, जिसे आप अच्छे से धो लेंगे पहले। 1 kg प्याज, जिसे मैंने काट लिया है। 1 टुकड़ा अदरक, 1 बड़ा चम्मच मटन मसाला, 2 पोटी लहसुन, गरम मसाला और तेज़पत्ता 2-3। गरम मसाला को मैं पीस लूँगी। गरम मसाला को मैंने अदरक और लहसुन के साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। मटन ऐसे तो लोग जनरली कुकर में ही बनाते हैं, बट मैं भगोने में बनाती हूँ। भगोने बनाने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैंने भगोना चढ़ा लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल, यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल गरम हो चुका है तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें तेज़पत्ता, फिर हम डालेंगे कटी हुई प्याज, प्याज यहाँ मैंने पूरा ही डाला था। पहले हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे, उसके बाद मटन डालेंगे, जैसा आप देख रहे हैं। मटन डालने के बाद अब हम फिर से प्याज डालेंगे जो बची हुई थी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, प्याज को आप चारों ओर अच्छे से फैला कर रखिएगा। प्याज डालने के बाद अब हम डालेंगे गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट। गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम डालेंगे मटन मसाला। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 2 किलो का। फिर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। और फिर इन सबको ढक कर हम धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। और 10 मिनट पकाने के बाद अब हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला पानी छोड़ दिया है और इसे अब हम लो फ्लेम पर 1/2 घंटे तक पकाएंगे। मटन जो मैं धीमे आंच पर पका रही हूँ, आप देख रहे हैं कितने अच्छे कलर में आ रहा है और ये तेल छोड़ दिया है। और इसे हम अभी और टाइम तक पकाएंगे जब तक कि पानी सूख नहीं जाता। मटन काफ़ी अच्छे से भून चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसमें हम 5 मिनट बाद पानी डालेंगे। इसे मैंने 1 घंटे तक पकाया है और बीच बीच में मैं इसे चलाती रही हूँ। और इस तरह से जब आपका मटन भून जाए फिर इसमें आप पानी डालेंगे। मटन को हम हाई फ्लेम में भून रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि मटन नीचे से जले ना। मटन में पानी डालने से पहले मैं आलू डालूंगी। हमारे घर में लोग मटन में आलू खाना साथ उसके पसंद करते हैं। अगर आपके घर में लोग पसंद करते हैं तो आप में डाल सकते हैं आलू को, कच्चा आलू। और अगर नहीं पसंद करते तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। आलू डालने के बाद अब हम पानी डालेंगे। पानी उबला होना चाहिए। और फिर मटन को अच्छे से चला लेंगे एक बार।
और फिर इसे हम ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। आधे घंटे मटन पकाने के बाद हमारा मटन बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। सो फ्रेंड्स, हमारा मटन दो प्याज़ा बनके रेडी हो चुका है। आप हमें बताइएगा आपको ये हमारी रेसिपी मटन की कैसी लगी। अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको और भी अच्छी रेसिपीज आगे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।